ओके तो हेलो गाइस, मैं फिर से आ गया हूँ एक फेस 20 का न्यू वीडियो पे। इस वीडियो पे मैं फिर से बैर खेलने वाला हूँ फेस 20। तो चलो बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। ओके इंट्रो एप्स लोग को फिर से एक बार स्वागत है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इस वीडियो पर मैं FS20 खेलने वाला हूँ। तो ये देख सकते हो भाई, अपना यहाँ पर सारा सामान यहाँ पर है। यह है अपना हार्वेस्टर जो कि बहुत ज़्यादा घटिया है। यह है अपना कल्टीवेटर, ये है सीडर एंड ये है अपना ट्रॉली। एंड ये देख सकते हो यहाँ पर रख दिया हूँ मैं अपने दो ट्रैक्टर। ये अपना पार्किंग बोल सकते हो आप लोग, अपने शॉप पे ही मैं रख दिया हूँ सारे सामान। आप लोग को कार वॉश वगैरह कुछ भी इसको वॉश करना होगा ना, तो यहाँ पर आके थोड़ी जरा ऐसे रुक गए ना तो अपने पैसे भी कट जाएंगे एंड आप लोग को वॉश भी हो जाएगा अपने कार्स वगैरह, अपने कार्स मतलब ट्रैक्टर एंड अपने जो भी है वो। भाई मैं यहाँ पर क्यों हो गया, आप लोग को पिछले वाला वीडियो में पता ही होगा मैंने क्या किया हूँ। यहाँ पर हार्वेस्ट किया हूँ एंड कल्टीवेट भी किया हूँ। तो आज के इस वाले वीडियो पे मैं करने वाला हूँ सीडिंग। तो सीड्स कैसे डालते हैं बताऊँगा मैं एंड इसी के साथ और भी कुछ करूँगा भाई, ऐसे थोड़ी छोड़ दूँगा। तो मैं जल्दी से इसको अटैच कर लेता हूँ। तो चलो चलते हैं। तो जल्दी से लेके चलता हूँ मैं इसको अपने फसल के पास, अपने फील्ड्स के पास लेके जाना होगा तभी तो मैं इसको सीडिंग कर पाऊँगा ना। तो उससे पहले मेरे को इसके अंदर सीड्स भरना होगा। तो पता नहीं भाई सीड्स कहीं पर तो भरता है, सीड्स को कहाँ पर लेते हैं मेरे को भी याद नहीं। एक बार देखना पड़ेगा मेरे को भी, रुक जाओ एक बार देख लेता हूँ भाई। बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी ना इससे घूम जाता है कि अब क्या ही बताऊँ, बहुत ज़्यादा होता है इसमें। शायद से ये वाला है, रुक जाओ देख, हाँ यही है। तो मेरे को उसके पास लेके जाना है, तो वहाँ पर लेके चलते हैं एंड इसको पहले इसके अंदर अपने पैसे देखो भाई क्या ही कटेंगे। अब ऊपर देख सकते हो अपने पैसे कितने हैं एंड कैसे कट जाएंगे। अब देखो भाई, ओ भाई 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 कितना लॉस हुआ देखना पड़ेगा मेरे को। 2600 को लॉस हो चुका है मेरा। तो इसको लेके चलते हैं अब अपने फील्ड्स के पास। मैं ना इसको भी कल्टीवेट कर लिया हूँ टाइम पे, तो भाई इस थोड़े को कल्टीवेट नहीं हुआ है तो मैं उस साइड से आऊँगा, यहाँ से नहीं। इस फील्ड को भी बाई कर लेंगे भाई, बहुत ज़्यादा पास है तो। बट अभी नहीं, बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ हूँ। पिछले वाला वीडियो पर मैंने हार्वेस्टर बाई किया तो अभी 4 लाख का, एंड इसको भी बाई किया था कि इसको कल्टीवेटर बाई किया था एंड इस सीडर वगैरह सब कुछ बाई किया था। बहुत ज़्यादा लॉस में हूँ मैं, इस सारा लॉस चला गया ना, तब फिर से मैं बाई करूँगा। ये देख सकते हो भाई ब्लिंक सा हो रहा है ना, इसको क्या कहते हैं भाई मेरे को बताओ कोई। ये देख सकते हो वहाँ पर आगे कैसे ब्लैक कलर आते रहता है जाते रहता है। कुछ तो ग्राफिक्स का प्रॉब्लम है या मेरा फ़ोन का प्रॉब्लम है, पता नहीं मेरे को। तो चालू करते हैं इसको, काम कर रहा है कि नहीं देखना पड़ेगा। ऐसे होने पे कोई ख़राबी तो नहीं है ना भाई, मेरे को नहीं पता। ये देख सकते हो यहाँ पर सीडिंग होना चालू हो चुका है। तो ये देख सकते हो पीछे वाइट कलर का रेस आ रहा है ना, रेस नहीं बोल सकते, वाइट कलर से कुछ तो आ रहा है वो सीड से। तो यहाँ पर सीडिंग हो रहा है, मैं हेल्पर में लगा देता हूँ। हेल्पर में जब भी लगाते हैं ना सीड का कलर थोड़ा कम हो जाता है। तो मैं भाई 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 गलती कर दिया यार, हट। ओ भाई भाई मेरे को वीट नहीं उगाना था भाई, अब क्या ही करेंगे, वीट नहीं उगाना था बट फिर भी अब गलती से वीट पे रह गया था, मैं देखा नहीं था इसीलिए अब वीट उग गया है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं एंड हेल्पर को लगाना पड़ेगा मेरे को फिर से। भाई चलो काम कर रहे काम कर रहे, तो इस हेल्पर को लगा देते हैं एंड ये हेल्पर अपना काम करते रहेगा। यहाँ पर आके मत रोक दियो, टर्निंग यही टर्निंग फिरा देगा भाई। तो फिरा है कि नहीं, क्या भाई पीछे जा रहे हैं फिर से, देखो भाई ये बहुत ज़्यादा भाई बाद में करूँगा। चलो ये अपना काम करेगा, मेरे को एक ही ट्रैक्टर है तो इसको पीछे कर लेता हूँ, पीछे हो जाए। तो मैं ना अपने फसल को बेच के आता हूँ थोड़ा, ताकि मेरे को थोड़ा बहुत पैसे मिल जाए एंड मैं जल्दी ही अपना एनिमल फार्म भी चालू कर दूँगा। जब एनिमल फार्म काम एनिमल भाई क्या बोल रहा हूँ, एनिमल फार्म जब चालू हो जाएगा ना तब हमको बहुत ज़्यादा पैसे मिल सकता है, क्योंकि मिल्क बेचे तो बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। तो भाई भाई इसको नहीं मारता है, तो मैं जल्दी से लेकर चलता हूँ। पता नहीं वॉइस कैसे आ रहा है, ईयरफोन से ही चल रहा हूँ बट फैन का वॉइस आ सकता है आप लोग को। तो यहाँ पर क्यों आ गया भाई मैं,
जहाँ पर नहीं आना था वो भी एक ही बार में फिर गया है। चलो बहुत बढ़िया है। मेरे पास मैं ना सोयाबीन बेचूँ, सोयाबीन और कोई बर्कवास तो देख लेना तो क्या चल रहा है, प्राइसेस अच्छा चलेगा तो ही बेचूँगा। मेरे को ना ये देख सकते हो किधर गया, मेरे को इसको भाई इसको डालना था, मेरे को ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है स्टार्टिंग के लिए। तो मेरे पास 14,000 लीटर है तो ऐसे चल रहा है। इसका कॉस्ट 1,600 भी है एंड सनफ्लावर 1,200 एंड ये तो कनोला तो 500-600 चल रहा है। कनोला नहीं बेचूंगा भाई, बहुत ज़्यादा कम है कॉस्ट कनोला का। सॉरी कनोला ये नहीं है, बारले है शायद से, कनोला ये वाला लॉस्ट वाला है शायद से, तुम्हें तो जा कर पता है। इसका कॉस्ट चल रहा है क्या चल रहा है 1,191। तो इसको बेच लेते हैं, चलो कनोला बेचते हैं। कितना है मेरे पास 12,000। चलो कोई बात नहीं, बेच लेते हैं इसको। अब यहाँ पर नए एमसी दिख जाएंगे, मैंने ठीक बोला हूँ या नहीं पता चल जाएगा। चलो तो ये वीट ये है बारले, वो भाई कर ठीक बोला था बारले है, ये ऑक्टेन है कनोला। चलो मेरे को पता था भाई, तो कनोला को डाल लेते हैं। देख सकते हो भाई कितना फास्टली भर भी चुका है। तो इसको जाके भाई कहाँ पर बेचना है, मैं चला तो जा रहा हूँ बट कहाँ पर बेचना है ये नहीं पता मेरे को। कहाँ पर मिल रहा है ग्रेन स्टोरेज, यही है ना सबसे ज़्यादा, तो यहीं पर बेच लेते हैं। देखते हैं मिनी मैप पे, पीछे जाना पड़ेगा मेरे को इस साइड है। और देख सकते हो आगे रेस दिख रहा है ना आप लोग को ग्रीन कलर का, तो इसके अंदर से वॉइस थोड़ा कम आता है भाई अपना व्हीकल का, तो इसीलिए मैं ये थोड़ा रियलिस्टिक वाला लुक भी देता है। ये गेम का सबसे ज़्यादा बड़ा वाला खेत यही है, गेम का सबसे बड़ा वाला खेत है। मैंने खेला था ऑलरेडी एंड इसको भी परचेस भी किया था बट नॉर्मली खेला था तब, तो इसीलिए मेरे को सारे पता है, वरना मेरे को भी नहीं पता होता था। तो यहाँ पर आ चुका हूँ मैं ग्रेन स्टोरेज पे। तो यहाँ पर देख सकते हो अब अपने पास है 3 भैया इधर गया भी। तो यहाँ पर अपने पास 3 लाख के ऊपर है, 3,60,000 के अराउंड है बट अपने पैसे बहुत ज़्यादा कम हो रहे थे हेल्पर की वजह से। अब देखो भाई अपने पैसे क्या ही बढ़ रहे, 60 कितने थे भाई, 63 थे ना शायद से, उनको याद नहीं है देखना पूरा ठीक से। तो कितना पैसा का 8,000 का इनकम हो चुका है, अपना फर्स्ट इनकम 8,600 अराउंड हो चुका है, 8,700 के अराउंड अपना इनकम हो चुका है, फर्स्ट इनकम है। मैं कहीं से भी जा सकता हूँ, ये फसल ख़राब होता नहीं है भाई, इसके अंदर से जाने पे भी ये कुछ भी बिगड़ता नहीं है, जैसे ही वैसे ही रहेगा। तो ये हम जल्दी से इसको तो बाय कर लिए हैं, अपना ट्रोली को यहीं पर रख देता हूँ मैं क्योंकि अब ट्रोली का इतना यूज़ है नहीं, तो अपना ट्रोली निकाल दिया हूँ। ये देख सकते हो पीछे है ट्रोली अपना। तो ये ट्रैक्टर ना सबसे नहीं है, ये कम है इससे देखता हूँ। हाँ ये सेकेंड सबसे कमज़ोर वाला ट्रैक्टर है, इसका हॉर्स पावर कितना है 150। मेरे पास रेड वाला जो है ना वो ये है, इसका हॉर्स पावर है 445 का भाई, ये ठोक दिया लेके, वाह ये अपने हार्वेस्टर को ठोक दिया था लेके आके। तो मैं इसको ठीक से रख देता हूँ वरना भाई देखो भाई इसका सेंसिटिविटी ना थोड़ा संभालना आना पड़ता है, वरना बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा इसका सेंसिटिविटी से। गाड़ी के अंदर होगा ना तब कोई भी दिक्कत नहीं होता है बट जब नॉर्मल पर्सन का ना सेंसिटिविटी संभाल नहीं पाते हैं, मैं नहीं संभाल पाता, आप लोग का पता नहीं कितना हो चुका है। ओ भाई लॉस्ट लेन तक आ गया है, चलो बहुत बढ़िया, मैं कर लेता हूँ, मैं ही डाल लेता हूँ भाई। बहुत सीड्स जब भी डालता है ना भाई बहुत ही ज़्यादा पैसा लेता है, आप लोग याद रखना हमेशा, इसको सीडिंग के लिए दिया मतलब बहुत ज़्यादा पैसा खाता है, इसीलिए मेरा काम हो गया एंड मैं यहाँ भी अब मैं ही डालूँगा इसलिए इसको। आप लोग फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकते हो जिससे कि हमको डबल मिलता है, हमको अपना क्रॉप डबल मिलता है। मेरे पास पैसे तो है बहुत ही ज़्यादा है बट फिर भी मैं यूज़ नहीं करना चाहता हूँ, मेरे को थोड़ा बहुत लॉस है मेरा, वो सारा नॉर्मल होने के बाद तब लूँगा ना भाई फर्टिलाइज़र एंड काऊ पंप भी चालू कर दूँगा, शीप पंप चालू कर दूँगा, सब कुछ चालू कर दूँगा तब आएगा ना पैसा। तो वीडियो कितना हो चुका है अपना फसल तो कंप्लीट, भाई दिखता नहीं है भाई इस गेम पे पता नहीं है, यहाँ पर 10 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो आज के लिए आप पर रोक दे क्या सही बोलते हैं, तो आज के लिए रोकूँ क्या बताओगे। तो मैं नेक्स्ट पार्ट पे क्या करूँ, नेक्स्ट पार्ट पे बेलिंग, नेक्स्ट पार्ट पे शायद से मैं
काउ फार्म चालू कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पैसे है एंड आएंगे भी। जब तक ये फसल ग्रो होगा तब तक वीडियो कट करूँगा, ग्रो होने के बाद मैं दिखा दूँगा आप लोग। ओके तो गाइस ये देख सकते हो बहुत ज़्यादा टाइम वेट करने के बाद फाइनली अपना फील्ड ग्रो हो चुका है, फील्ड नहीं अपना फसल ग्रो हो चुका है। तो इसको काट लेते हैं एंड आप लोग को एक और चीज़ दिखा देता हूँ इसी वाला वीडियो पे। आप लोग जो थंबनेल पे देखे हो वही चीज़ अब करने वाला हूँ, मेरे को उसका आइडिया अभी आया है एंड अभी करने वाला हूँ, उसी को थंबनेल पे भी ऐड कर दूँगा। तो हम अपना फसल ग्रो करते हैं क्योंकि ना मैंने गलती से वीट उगा दिया था, इसीलिए अब वीट उगाया ही हूँ तो अब वो काम भी कर लेते हैं। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो पे मेरे को फार्मिंग ही होता है, फार्मिंग नहीं मेरे को उसको वगैरह को भी लाना है, इसीलिए उनको खाना भी तो चाहिए, इसीलिए ये पीछे से जो आ रहा है ना ये है उनका खाना, तो ये भी कर लेते हैं। मैं यहाँ पर हर पर सेट कर देता हूँ एंड बाकी मेरे को एक और चीज़ मोल बाई करना है उसको बाई कर लेते हैं। अपना ट्रैक्टर किधर गया तो इसको पहले तो शॉप के पास लेके चलते हैं क्योंकि उसको लेके भी आना है मेरे को, तो जल्दी से शॉप पे चलते हैं। पता नहीं वीडियो ऑलरेडी 10 मिनट का भाई वो कट हो गया था, वीडियो में सोचा कि डिलीट हो गया है बट 11 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो शॉप पे तो आ चुका हूँ एंड मैं बेलिंग टेक्नोलॉजी से यहाँ पर दो है, ये कौन सा वाला, दो भी सेम है बट लीटर का फ़र्क है क्या, अच्छा हॉर्स पावर का फ़र्क है बट कोई बात नहीं, हमको छोटा वाला से ही काम चला लूँगा। ये 53,000 और एक्स्ट्रा लेने वाला है तो इसी वजह से ये तो नहीं चाहिए हमको, फर्स्ट वाला ही ले लेता हूँ। ये दो लेना पड़ेगा, 70,000 का ये है, 1,00,000 का ये है, 1,05,000 का, तो इसको बाय कर लेते हैं। तो ये पर सक्सेसफुली बाय हो चुका है तो इसको बाय कर लेते हैं, तो ये भी हो चुका है। अपने स्टोर पे आ जाएंगे, देख सकते हो इस दोनों को अभी भाई बहुत ही ज़्यादा मेरा पैसा का लॉस हो चुका है बट अब क्या ही कर सकते हैं भाई, पूरे को आपसे कुछ भी बाय करने वाला हूँ नहीं, इसको बाय कर लिया हूँ, सिर्फ काउस को वगैरह बाय करूँगा ताकि मेरा सारा लॉस फिर से नॉर्मल हो जाए, उन्हीं से मेरा लॉस नॉर्मल हो सकता है, वरना ये फसल से तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हाई से भी होता है बट मैं जब अच्छे वाला कॉस्ट आ गए तो मैं ऑफलाइन पे भी फसल ग्रो करूँगा, तो मैं बाई कर दूँ, आई मीन सेल कर दूँगा। मैं वीडियो के लिए नहीं बैठ सकता क्योंकि मतलब अच्छे वाले कॉस्ट चले जाएंगे, इसलिए मैं ट्राई करूँगा कि बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टोर कर दूँ अपना स्टोरेज रूम में, तो उसी में स्टोर करूँगा मैं ज़्यादातर। तो ये देख सकते हो इसको यहाँ पर ऑन करने के बाद ऐसे लेके चले जाऊँ, इसके ऊपर से लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पर नीचे देख सकते हो फुल हो रहा है अपना, ये जैसे ही फुल होगा तो यहाँ पर आ जाएगा अपने को एक बेल, नीचे ड्रॉप हो जाएगा, ड्रॉप हुआ क्या, अच्छा दो बेल तो इसके अंदर आना है ना, उसके बाद ड्रॉप होगा, तीसरा बेल ड्रॉप होगा, धीरे 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 करके चलता हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, मिस नहीं होना है। तो अब आ जाएगा एक बेल ड्रॉप होगा, देख लेना आप लोग, ये जब फुल हो जाएगा तब एक बेल ड्रॉप कर देगा। तो ये देख सकते हो यहाँ पर भी मैंने डाल दिया हूँ, यहाँ पर भी भूल के मैंने वीट ही डाल दिया हूँ, इसीलिए अब ये वाला काम कर रहा हूँ वरना नहीं करता था। ओ भाई स्क्रीन रोटेट क्यों हो गया, तो यहाँ पर देख सकते हो 39 रुपीज़ से काट लिया है, तो अपने हेल्पर बहुत ज़्यादा पैसे काटता है भाई, हेल्पर को रखोगे ना तो लॉस गंदा वाला होगा। जब सीडिंग तो मत करवाना भाई गलती से भी, सीडिंग जब भी करवाओगे ना ध्यान से करवाना, बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है सीडिंग करवाने से। तो ये देख सकते हो पीछे एक बेल ड्रॉप हो चुका है एंड ये देख सकते हो अब एक और बेल ड्रॉप हुआ क्या, वहीं पर हुआ भाई, तो यहाँ पर एक और बेल ड्रॉप हो गए, जैसे ही फुल होगा, ये फुल होने पे बेल्स ड्रॉप होते हैं। तो यहाँ पर भी स्लो कर लेते हैं हम अपना ट्रैक्टर को, तो भाई कितना ज़्यादा है यहाँ पर, तो ये देख सकते हो पीछे एक और बेल ड्रॉप हो चुका है, तो ये पर थोड़ा टाइम रुकना पड़ा। अच्छा 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 मैं सोचा कि यहाँ पर इसको देख के मैं सोचा कि यहाँ पर किया ही नहीं हार्वेस्ट, बट थोड़ा थोड़े प्लेसेस पे ऐसे ही छोड़ देता है अपना हार्वेस्टर नहीं अपना हेल्पर को, अपना हेल्पर छोड़ते रहता है ऐसे ही। तो भाई बोलने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है हिंदी, तो यहाँ पर एक देख सकते हो एक और बेल ड्रॉप हो चुका है वहाँ पर। तो फर्टिलाइज़र करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, हमको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा फर्टिलाइज करने से, मैं नेक्स्ट पार्ट पे बोल दूँगा फर्टिलाइज का सिस्टम क्या है कैसे करते हैं। आप लोग को चाहिए हो तो ना इसका डाउनलोड लिंक पिछले वाला वीडियो में मैं बता दिया हूँ ऑलरेडी, मेरे को डाउनलोड लिंक चाहिए हो तो क्या करना है, आप लोग को पिछले वाला वीडियो पे 10 लाइक करवा दो, इसलिए इस वीडियो पे भी करवा दिया ना तब भी चल जाएगा, आप लोग 10 लाइक करवा दो मैं तभी लाऊँगा इसको कैसे डाउनलोड करते हैं, इसको डाउनलोडिंग मैं तभी ही दूंगा वरना नहीं दूंगा। आप लोग 10 लाइक इस वीडियो पे भी करवा सकते हो या पिछले वाला वीडियो पे भी करवा सकते हो बट 10 लाइक हो जाना चाहिए, तभी बताऊंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं।
ये होते रहेगा। इतने में एक और चीज़ दिखा देता हूँ, वीडियो हो चुका है 15 मिनट्स का, तो इसको मैं यहाँ पर साइड पे रख देता हूँ फिलहाल के लिए। रोड ब्लॉक कर देगा भाई, देख लेना। तो ये देख सकते हो आने जाने वाले हैं, ब्लॉक कर देगा तो कार थोड़े से टाइम पे डिस्पॉन बोल सकते हो आप लोग, वहाँ से चले जाएंगे। ऐसे ही आते रहते हैं हमको परेशान करने के लिए कार, तो यहाँ से चलते हैं। इसको लेके आना पड़ेगा ताकि वो सारे बिल्स जो मैं लाया हूँ ना उसको कलेक्ट करने के लिए ये चाहिए, तो इसको लेके चलते हैं हम। तो मैं ऑफलाइन पे कलेक्ट कर दूँगा, मैं ऑनलाइन दिखाने के लिए कर रहा हूँ अब, कैसे करते हैं उसको, कैसे परचेस करते हैं एंड यूज़ क्या होता है ये बताने के लिए। तो मैं आ चुका हूँ इस लाइन पे, तो कोई भी है नहीं, हेल्पर ने अपना टास्क कंप्लीट कर चुका है। तो वहाँ पर देख सकते हो वहाँ पर रुक चुका है वो हेल्पर, क्योंकि वहाँ पर हो चुका है उसका काम। तो ये एक फसल भी रेडी हो चुका है, उसको भी हम कल्टीवेट करते हैं। रुक जाओ यहाँ पर, इसमें ना हेल्पर नहीं लगा सकते, इसको तो हमको ही करना पड़ेगा, इसमें हेल्पर नहीं लगता। तो ये तो ले चुका हूँ, इस लाइन पे दो हमें देखा था, तो इसको भी ले लेते हैं। ये देख सकते हो कलेक्ट होते रहेगा पूरे, इसके अंदर 16 बेल्स आ सकते हैं, 16 आएंगे, 16 से ज़्यादा नहीं आते हैं इसके अंदर। ओ भाई भाई भाई, थोड़ा ध्यान से, रात हो चुका है भाई, रात में काम करना मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है, क्योंकि ठीक से दिखता नहीं है। ओ भाई भाई, मिस हो चुका है, देखो रात है ना, ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा है यहाँ पर है करके, तो थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। एंड इसको टच कर दिया ना ऑटोमेटिकली ले लेगा, तो चलो लाइट्स ऑन हो चुके हैं, जल्दी उठा ले भाई, एक्सीडेंट हो चुका है। पहले ना मैं एक काम करता हूँ, जो अपना हार्वेस्टर को वो पीछे वाला पंप पे लगा के आता हूँ, ताकि वो वाला भी कट होते रहे, उसको भी मैं आके कलेक्ट कर लूँगा बाद में। तो ये देख सकते हो यहाँ पर अपना ये सारे है भाई, इसको नहीं हलाना। तो यहाँ पर चलते हैं अपना दूसरा फार्म की ओर, यहाँ पर मैं इसको सेट कर देता हूँ एंड ये सारे ही बेल्स ले लेता हूँ। एंड आउट आपको उसको कैसे ड्रॉप करते हैं ये भी तो दिखाना है, वरना मैं अभी वीडियो एंड कर देता था, तो आपको वो चीज़ भी दिखा देता हूँ जो कैसे ड्रॉप करते हैं। पहले सारे कलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आप लोग को दिखाता हूँ। तो वीडियो को करने वाला हूँ मैं थोड़ा सा स्किप, तो ये देख सकते हो वहाँ पर भी हो रहा है, तो मैं इसको हेल्पर पर लगा देता हूँ एंड वीडियो को करता हूँ स्किप। ओ भाई साहब, ये देख सकते हो कितना ज़्यादा जाम हो चुका है यहाँ पर अपना ये बेलिंग टूल की वजह से, तो इसको मैं ले कर चलता हूँ। लैग हो रहा है थोड़ा सा यहाँ पर, इतने ज़्यादा व्हीकल्स जो आ चुके हैं, थोड़ा लैग करता है। ओ भाई चल ले यहाँ पर, ये व्हीकल का ये व्हीकल है मेरे को जाने नहीं दे रहा, तो उसको अटैच कर लेते हैं एंड देख के चलते हैं इसको। तो अब चार ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, देख लेना आप लोग भाई। तो देखो उस साइड से जाने भी शुरू हो चुके हैं गाड़ियाँ, भाई मेरे को कोई तो मार रहा था इसको। चलो अपना ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा एंड मैं भी चलता हूँ, बाकी काम भी कर लेते हैं। ओके तो मेरे पास ज़्यादा तो कलेक्ट हुआ है नहीं, थोड़ा बहुत कलेक्ट हो चुका है। तो आप लोग ना नॉर्मली इसके अंदर कोस वगैरह होता है, तो यहाँ पर देखो ऐसे ड्रॉप कर सकते हो आप लोग, ये देख सकते हो नॉर्मली हमको कुछ भी करना नहीं होता इसके पास, देखा कैसे छोड़ दो ऑटोमेटिकली ड्रॉप कर देता है। बट मेरे पास कोस नहीं है, फिर भी यहीं पर ड्रॉप करता हूँ, वरना एक और तरीका होता है वैसे भी ड्रॉप कर सकते हो, दिखा देता हूँ इसके बाद भाई। तो चलो यहाँ पर लग चुके हैं लेन पे, तो आप लोग के पास कोस वगैरह नहीं है, यहाँ पर ड्रॉप करना नहीं चाहते हो, कहीं और पर ड्रॉप करना है आप लोग को, तो यहाँ से तो उसको डिस्कनेक्ट कर दो एंड अपना मैप ओपन कर लो आप लोग। एंड यहाँ पर ये लो वाला दिख रहा है ना, ये देख सकते हो उसको ग्रीन अप है एंड यहाँ पर रीसेट कर दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ये देख सकते हो यहाँ से चला जाके स्टोर पर चला जाएगा, अपने शॉप के पास चला जाएगा, वो दिखा देता हूँ जो आप लोग को। एंड ये सारा बेल्स वगैरह उसमें जो भी है वो वहीं पर ड्रॉप हो जाएगा जहाँ पर आप लोग रीसेट करोगे। ये देख सकते हो आप शॉप पे आ चुका है, आपने कुछ भी एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री पे हो जाएगा। तो आप लोग जल्दी से जाओ वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो पर सेम लेके रखता हूँ 10 लाइक का ही, आप लोग कंप्लीट करवा दोगे तो मैं दिखा दूंगा कि कैसे डाउनलोड करते हैं इसको फ्री पे एकदम। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय गाइस। इसको क्यों लेके जाऊँ, तो बाय गाइस।